हेलो ऑल जिक्स, कैसे आप सब? आज एक और बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या आपने कभी ऐसे गोरे को देखा है जो अपने वतन से भी ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करता हो और वो भी अमरीकी हो? नहीं ना। आज मैं आपको बताऊंगा अमेरिका के एक बहुत मशहूर कॉमेडियन जेरेमी मैकलेनन, जो इस महीने पाकिस्तान में शेनानिगंस करते पाए गए। अपनी उन हरकतों की वजह से उन्होंने मेरी उस वीडियो को सच साबित किया जिसमें मैंने पाकिस्तान के बारे में बहुत ऑसम फैक्ट्स बताए थे और आप लोगों को प्रूफ किया था कि क्यों दुनिया पाकिस्तान की फैन है। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिससे आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा कि वो पाकिस्तान में ये कुछ करते रहे। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू जेरेमी मैकलेनन, जिन्होंने पाकिस्तान में फ्री मेडिकल कैंप्स अरेंज किए। ये एक बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव था उनकी तरफ से। उन्होंने इस्लामाबाद और गुजर खान जैसे शहरों में फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए और उन जरूरतमंद लोगों को जो अपने दांतों का इलाज नहीं करवा सकते थे, उन्होंने उन मेडिकल कैंप्स के जरिए 500 से ज्यादा अफराद का इलाज किया। उनके साथ डॉक्टर्स की एक पूरी टीम थी। डे फर्स्ट की जो उन्होंने पोस्ट लगाई वो बादशाह मस्जिद के सामने थी और उन्होंने कहा कि एवरीवन इन पाकिस्तान इज सो फ्रेंडली, इफ आई एक्सेप्टेड एवरी ऑफर आई हैव रिसीव्ड टू कम टू पीपल्स हाउसेस फॉर डिनर और टी, आई वुड बी देयर फॉर 10 इयर्स एंड गेन 1000 पाउंड्स। पावर कीप्स गोइंग। आप लोग यकीन करेंगे कि मैं जेरेमी की आपको पोस्ट पढ़ के सुना रहा था कि वो बता रहे थे कि पाकिस्तान में लाइट बहुत जा रही है, और ये शो करते हुए जब मैंने पावर आउटेज का नाम लिया तो उस वक्त लाइट चली गई। खैर, लाइट तो जाती रहेगी। जेरेमी कहते हैं कि पावर कीप्स गोइंग आउट, नॉट अ बिग डील फॉर मी। इसके बाद उन्होंने बहुत जबरदस्त पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया लाहौर की सड़कों पर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान। और वो अपनी सेलिब्रेशन के बारे में कहते हैं कि स्पेंड द डे इन लाहौर एंड सॉ सम ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रेशंस इन माय लाइफ, चेक आउट माय फर्स्ट लाइव वीडियो फॉर मोर, नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट डिस्पाइट द ईमेल दैट द स्टेट गवर्नमेंट सेंट मी, इट वाज कंप्लीटली सेफ। यानी कि यूएस की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इनको मेल आई कि जरा बच के रहना, लेकिन ये खुले डुले फिरते रहे पाकिस्तान में। और एक पोस्ट इनकी बहुत मजे की थी, इनका इन ऑनर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे, हियर आई एम ट्रेनिंग पाकिस्तानी स्पाई पिजन्स टू कैरी आउट टॉप सीक्रेट मिशन across the border. लगा गए इंडिया को, लगा गए। फिर अगली पोस्ट पे कहते हैं, Here I am on the border in Batomali keeping an eye on India. ये पोस्ट इनकी सबसे मजे की थी कि पिंडी बॉयज फॉर लाइफ, और इन्होंने बाइक्स पे भी पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे भरपूर तरीके से एंजॉय किया, फुल साइलेंसर उतार के पिंडी बॉय स्टाइल में। इसके अलावा ये यतीम बच्चों के लिए जो स्वीट होम्स होते हैं वहां पे भी गए और वहां पे भी इन्होंने चीजें डिस्ट्रीब्यूट की। फर्स्ट डे ऑफ चैरिटी वर्क, दिस टीम इज अमेजिंग, वी सर्व 500 पेशेंट्स टुडे। फिर इन्होंने एक ट्वीट की कि मैंने अपने ड्राइवर से पूछा, डू आई हैव अ सीट बेल्ट, तो ड्राइवर कहते हैं कि नो, इट्स ओके, इट्स पाकिस्तान। ये इमेज बना है पाकिस्तान का। अब कल्चरली और हॉस्पिटैलिटी वाइज हमें जितना मर्जी पसंद किया जाता हो, हम अभी भी दुनिया में नोटोरियस हैं लॉज तोड़ने के हवाले से। सबसे मजे की ट्वीट जेरेमी की थी कि जस्ट वॉन्ट एवरी वन टू नो दैट आई डिड पे द 20% टैक्स ऑन ऑल द मनी आई मेड फ्रॉम डूइंग शोज इन पाकिस्तान, हैप्पी टू फॉलो द रूल्स एंड गिव बैक टू द कंट्री, आफ्टर ऑल आई एम अ कॉमेडियन नॉट अ प्राइम मिनिस्टर। ये लगा गए। देखा जी, उनको पता है कि यहाँ पे जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो टैक्स नहीं देता। और ये उनकी एक फोटो थी अपने होटल के रूम में, फेयर एंड लवली बिरयानी खाते हुए। और फिर जब वो अभी रिसेंटली वापस यूएसए पहुंचे हैं तो उन्होंने एक जबरदस्त ट्वीट की, आफ्टर अ मंथ अवे फाइनली बैक एट होम विद माय बीवी एंड माय कुत्ता। उनको एक टेक्स्ट आया फेसबुक पे एक अमेरिकन की तरफ से, व्हाई डू यू इवन कम टू द यूएस इफ ऑल यू आर गोइंग टू डू इज शिट टॉक, गो होम इफ इट्स सो ग्रेट इन पाकिस्तान, आई डोंट थिंक एनीवन इन द यूएस अप्रिशिएट्स योर पोस्ट। तो आगे से उनका रिप्लाई आया कि आई थिंक आई एम ऑफिशियली पाकिस्तानी एंड अमेरिकन जस्ट टोल्ड मी टू गो बैक टू माय कंट्री पाकिस्तान। और इनकी जो लास्ट ट्वीट थी जेरेमी की वो बहुत इमोशनल थी। कहते हैं कि वेरी इमोशनल डे फॉर मी, आफ्टर 2 weeks इन द कंट्री इट्स माय लास्ट डे हियर, आई हैव टूर्ड 2 cities, सोल्ड आउट 6 shows, हेल्प्ड अ डेंटल टीम प्रोवाइड फ्री केयर टू 1800 विलेजर्स, ईटन 1 lakh पाउंड्स ऑफ फूड, सेलिब्रेटेड पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे इन पिंडी बॉय स्टाइल, टुक थाउजेंड्स ऑफ सेल्फीज विद फैंस, स्टार्टेड एन ऑनलाइन war with Indian trolls and drove around much of this beautiful country. By the time I ended the tour, 80% of my show was stuff I wrote since landed. What a ride. और उसके बाद भी नीचे लंबी पोस्ट थी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये थे जेरेमी मैकलेनन, जिन्होंने अपने पाकिस्तान के टूर को बहुत ही इंजॉय किया। अगर आप लोग जेरेमी से कुछ पूछना चाहते हैं उनके पाकिस्तान के टूर के बारे में, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। हम ये वीडियो उनके साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के जो कॉमेंट सेक्शन में जितने सवाल होंगे उन तक पहुंचाएं और वो उनका रिप्लाई करें। वर्ल्ड साइड इसी तरह पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट और फुल मस्ती भरी साइट को सपोर्ट करता रहेगा और प्रमोट करता रहेगा। जब से हम हुए जवान, जाने खो गई कहां, शर्माने घबराने वाली लड़कियां, दिल ढूंढता है वही जमाना।
जिसका सुना हमने देखा नहीं, टै 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 जल चाहता है वही जमाना, जिसका सुना हमने देखा नहीं, टै टै टै। आज मैं एक बहुत ही बड़ी और जबरदस्त न्यूज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हमेशा अच्छी न्यूज ही लाया करता हूँ। नजम सेठी ने अभी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने कंफर्म किया कि नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर में पाकिस्तान में वर्ल्ड प्लेइंग 11 चार T20s खेलने आ रही है। यस, बेस्ट न्यूज फॉर एनी क्रिकेटिंग फैन इन पाकिस्तान। अभी नजम सेठी ने पाकिस्तान आने वाले प्लेयर्स के नाम तो नहीं कंफर्म किए और उन्होंने कहा कि वो 3 से 4 दिनों में वो नाम रिवील करेंगे जो खिलाड़ी पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन वाइट साइड ने अपने सोर्सेज से कुछ खिलाड़ियों के नाम पता लगाए जो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उन खिलाड़ियों के नाम सुनकर आप हैरानों परेशान रह जाएंगे। ये कोई उस किस्म के सो कॉल्ड फटीचर प्लेयर्स नहीं आ रहे जो PSL के फाइनल में आए थे। ये वाकई ह्यूज नाम है, तो जरा दिल थाम कर सुनिए, खुशी से कहीं गिर ना जाइएगा। साउथ अफ्रीका के टॉप क्रिकेटर्स जिनमें हाशिम आमला, इमरान ताहिर, मॉर्ने मॉर्कल और फफ डु प्लेसिस हैं। There are a lot of big names. इसके अलावा इंग्लैंड की टीम में से भी एक खिलाड़ी वर्ल्ड 11 को ज्वाइन करेगा और वो मोस्ट प्रोबेबली डेविड मिलान हो सकते हैं या क्रिस जॉर्डन। डेविड मिलान के चांसेस ज्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2 प्लेयर्स होंगे जिनमें से शेन वॉटसन तो कंफर्म है, न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकलम और ग्रांट एलियट होंगे। वेस्ट इंडीज के भी टॉप प्लेयर्स के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं जिनमें सैमी गेल और सैम्यूल्स हैं। जबकि हमारे सबसे अच्छे दोस्त ममालिक बल्कि ब्रादर ममालिक भारत का कोई भी खिलाड़ी नहीं, courtesy the फटीचर policy of half boycott of Pakistan cricket team. World 11 के जो कोच होंगे वो जिम्बाब्वे के एक बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर हैं एंडी फ्लावर। वो टीम के साथ 17 सितंबर को दुबई में इकट्ठे होंगे, वहां पे उनका प्रैक्टिस सेशन होगा, उसके बाद वो पाकिस्तान लैंड करेंगे मोस्ट प्रोबेबली लाहौर, और 22nd, 23rd, 28th और 29th को मैचेस होंगे और बिल्कुल PSL लेवल की उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। और सुनने में आ रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने फुल वादा किया PCB से कि हम प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी देंगे प्लेयर्स को, और इस सारी कैंपेन को खुद ICC का एक डेलीगेशन लुक आफ्टर करेगा। तो बहुत ही जबरदस्त न्यूज है पाकिस्तान के लिए और स्पेशली पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए, और उससे भी स्पेशली मेरे जैसे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए। इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी अच्छी खबरें ये है कि पाकिस्तान की जो अक्टूबर में श्रीलंका के साथ सीरीज होनी है UAE में, उसमें से भी एक T20 लाहौर में खेला जाएगा, और फिर जो वेस्ट इंडीज से सीरीज होनी है हमारी नवंबर में, उसमें से भी एक T20 लाहौर में खेला जाएगा। आपके ख्याल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट और PCB की ये पॉलिसी ठीक है कि सारे मैचेस लाहौर में रख दें? भाई कुछ तो कराची और इस्लामाबाद में भी होने चाहिए। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि लाहौर के अलावा PCB के पास क्या ऑप्शंस हो सकती है मैच के वेन्यू के बारे में। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो घंटी का बटन भी दबा लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। व्हाइट साइड इसी तरह पाकिस्तान की एक्साइटिंग हैपनिंग्स को कवर करता रहेगा। आप भी व्हाइट साइड को सपोर्ट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो शेयर करें। कीप सपोर्टिंग, कीप रॉकिंग, कीप वॉचिंग द व्हाइट साइड। और मौका 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 यार, चैंपियंस ट्रॉफी वाली रूह जाग रही है।